हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नीट यूजी इन 10 बाइट साइज वीडियोस फॉर नीट यूजी। लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माय सेल्फ अंशुल वलेचा, एलुमनाई ऑफ आईआईटी गुवाहाटी, नेट जेआरएफ गेट जेएस जेम क्वालिफाइड, एक्स फैकल्टी आकाश इंस्टीट्यूट दिल्ली साउथ एक्स ब्रांच, अलन करियर इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ ब्रांच, मेंटरिंग द नीट एस्पिरेंट्स फ्रॉम लास्ट 11 प्लस ईयर्स। अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट हैं वो देखते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती है, इंटरेक्टिव क्लास है, एजुकेटर से आप चैट कर सकते हो, अपने डाउट ले सकते हो। क्लास के साथ साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, एग्जाम के हिसाब से ही कोर्स डिजाइन किया हुआ है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज पे बेस आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस है, एक बार आपने अगर सब्सक्रिप्शन ले लिया आप जितने भी टॉप एजुकेटर है सबकी क्लास लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप किन्हीं दो तीन चार एजुकेटर की ही क्लास लगा पाओगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात अगर मैं करूं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अदर देन द प्लस को प्लस सब्सक्रिप्शन आपको पर्सनल कोच मिलेगा 1-to-1 गाइडेंस के लिए। स्टडी प्लानर होगा, डेली का स्टडी प्लान आपको कैसे करना है क्या है, वीकली रिव्यूज आएंगे, फोर्टनाइटली रिव्यूज आएंगे। टेस्ट एनालिसिस होगा, इनडेप्थ टेस्ट एनालिसिस है, उसके हिसाब से आपको पर्सनलाइज फीडबैक दी जाएगी टू इम्प्रूव द टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच, और सारे के सारे बेनिफिट आपको प्लस के इस पे मिलेंगे ही मिलेंगे। आइकॉनिक की फी स्ट्रक्चर की बात करूं, वन ईयर की फी 45,000 है, टू ईयर की फी 61,000 है, फीस बहुत जल्दी इंक्रीज होने वाली है। अगर आप मेरा कोड यूज करोगे लाइव एवी तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो वन ईयर की फी 40,500 पड़ेगी और टू ईयर की फी 54,900 पड़ेगी। ध्यान रखना है मेरा कोड है लाइव एवी। प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं, प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए वन मंथ की फी 6K है, थ्री मंथ की फी 15K है, सिक्स मंथ की फी 24K है, वन ईयर की फी 30K है और टू ईयर की फी 36K है। पर जैसे ही आप मेरा कोड यूज करोगे लाइव एवी आपको सब में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपकी वन ईयर की जो फी पड़ेगी वो 27,000 हो जाएगी और टू ईयर की जो फी पड़ेगी लाइव एवी कोड यूज करने पे 32,400 हो जाएगी। अनअकैडमी पे आने के लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करनी है, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जो जो चीजें पूछे, फोन नंबर पूछेगा, ठीक है, ओटीपी आएगा वो पूछ लेगा आपसे, तो ये सारी चीजें, और उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्लस कोर्स या आइकॉनिक कोर्स लेना है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एम मीटर। गैल्वेनोमीटर को हम एम मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अब हम वो देखें। सबसे पहले आपको एक गैल्वेनोमीटर के बारे में पता होना चाहिए। ये मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और इसका आईजी इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन, आईजी इज द करंट एट विच गैल्वेनोमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मतलब इतने करंट पे गैल्वेनोमीटर में 100% डिफ्लेक्शन आ जाता है पूरा। और जी क्या है बेटा, जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये दो चीजें आपको गैल्वेनोमीटर के बारे में पता होनी चाहिए। अब एम मीटर में बनाने से पहले, गैल्वेनोमीटर से एम मीटर बनाने से पहले एम मीटर के बारे में, एम मीटर का क्या काम होता है, क्या काम होता है बेटा, करंट मेजर करता है। एमीटर क्या करेगा, करंट मेजर करेगा। अब करंट मेजर करना है ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं बेटा, सीरीज में। फायदा क्या है, सीरीज में करंट सेम रहता है। अब अगर इसको सीरीज में कनेक्ट करना है तो आप क्या चाहोगे, ये करंट की वैल्यू को चेंज कर दे या ना करे। हम चाहेंगे कि ये वैल्यू को चेंज ना करे, ना करे तो इसका रेजिस्टेंस कम हो, क्योंकि अगर सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो करंट चेंज हो जाएगा, तो इट मस्ट हैव लो रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए। यहीं से एन आइडियल एम मीटर, अगर मेरे पास एक आइडियल एम मीटर होता, होता नहीं वैसे कोई, मान लेते हैं प्रैक्टिकल, ये अजम्पशन वाली है, एन आइडियल एम मीटर हैव जीरो रेजिस्टेंस। आइडियली आइडियल कोई भी नहीं होता, ना इंसान होता, ठीक है, तो आइडियल एम मीटर क्या होता है बेटा, जीरो रेजिस्टेंस होगा एम मीटर का, ये ध्यान रखना है। और वैसे एम मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए बेटा, लो होना, क्लियर है। अब आपको इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है, अगर आपको गैल्वेनोमीटर से रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है तो आपको पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा और पैरेलल में लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। क्यों, पैरेलल का रूल है, जो कम से कम रेजिस्टेंस होता है आंसर उससे भी क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता। अब क्या पढ़ना है, अब हमें कन्वर्जन हम देख रहे हैं,
टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, ए लो वैल्यू रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। लो वैल्यू क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि पैरेलल में आंसर कम से भी, छोटे वाले से भी कम आएगा, ठीक है, इसीलिए। और हमें एमीटर में क्यों कम करना है? क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? लो, ताकि वो करंट को चेंज ना कर पाए। तो बेटा करते क्या है, अब बड़े ध्यान से समझना है यहां पर। ये मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ मुझे पैरेलल में एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगाना है, जो मैंने लगा दिया, इसका नाम मैंने शंट रख दिया, एस नाम। क्लियर है यहां तक? अब यहां से ये मेरे पास गैल्वेनोमीटर था जिसका रेजिस्टेंस जी था, इसके साथ मैंने पैरेलल में एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगा दिया जिसका नाम शंट रख दिया। यहां से आई करंट गया, इस पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आई जी पे आएगा, तो बेटा यहाँ जो जाएगा वो होगा आई माइनस आई जी होगा। यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, इधर से आई माइनस आई जी आ गया, इधर से आई जी आ गया, वापिस इधर आई करंट चला गया, और ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये जो बना बेटा ए पी और एस पैरेलल में लगाना, ये जो चीज बनी है दिस इज एम मीटर। ये क्या है हमारा? एम मीटर। अब अगर मैं इस लूप में केवीएल लगाऊं, किरचॉफ वोल्टेज लो लगाऊं, केवीएल क्या कहता है? देखो आप यहां से मैं से चल रहा हूं, तो प्लस आई जी इंटू जी माइनस आई जी इंटू एस शुड बी इक्वल टू जीरो। यहां से मैंने सोल्व किया, मेरी एस की वैल्यू क्या आ गई बेटा? आई जी बाय आई माइनस आई जी इंटू, ये मेरा एस आ गया, शंट की वैल्यू इतनी चाहिए। IG मैंने आपको पहले ही बताया था, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट है। I क्या है? I इज द रेंज ऑफ एमीटर। एक एमीटर ज्यादा से ज्यादा कितना मेजर कर सकता है वो है। तो बेटा आपको कितना शंट लगाना है पैरेलल में, दैट इज IG बाय I माइनस IG इनटू G, जहां पर ध्यान रखना है G is the resistance of galvanometer, yeah. I is the range of ammeter, IG is the current at which galvanometer shows full scale deflection, and S is the shunt जो हमें लगाना है। आप यहां से कंसेप्ट देख सकते हो, अगर मुझे एम मीटर की रेंज बढ़ानी है तो मुझे एस को कम करना पड़ेगा, मतलब पैरेलल में और रेजिस्टेंस लगाना, पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगाना। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? कैन वी इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एम मीटर? यस, अगर मुझे रेंज बढ़ानी है एम मीटर की, आई बढ़ाना है, आई बढ़ाना है तो मुझे शंट कम करना है। शंट कम कैसे होगा? पैरेलल में अगर एक और रेजिस्टेंस लगा दूं तो वो दोनों का पैरेलल तो छोटे वाले से भी कम आ जाएगा। इस तरह से हम इसको ऐसे कर सकते। जो हमारा एम मीटर बना वो क्या था बेटा? ये जी और एस के पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने एम मीटर बोल दिया, इसको हमने एम मीटर बोल दिया। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर? एम मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा? एम मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा जी एस बाय जी प्लस एस, पैरेलल में है, ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना है आइडियल एम मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है बेटा? जीरो। गैल्वेनोमीटर से एम मीटर बनाने के लिए क्या करना है? पैरेलल में लो वैल्यू रेजिस्टेंस हमें लगाना है, ठीक है, और उस लो वैल्यू रेजिस्टेंस का नाम क्या रखा है बेटा? शंट रखा है। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब अवर YouTube channel Neet UGN 10. Don't forget to press the bell icon button. Don't forget to press the bell icon button.